अंदर नहीं अंदर ही कमरे के अंदर बंद कर जाए। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, यात्रा को यहाँ प्रशासन ने मतलब रुक लगा दिया, नहीं करने दिया और कुछ गिरफ्तारियाँ भी हो गई। ट्रैक्टर नहीं आने दिए, मोटरसाइकिल नहीं, कोई साधन नहीं आने दिए, तो अब वो तो नहीं कर पाए। हम लोग चाहते यही थे कि हम लोग यहाँ से चले आगे, आप लोग हम लोगों को रोक दीजिए, लेकिन चलिए जो भी आप लोगों को ऊपर भी है, जो आपको आदेश मिला होगा वही आप लोग करेंगे। लेकिन हम लोगों का जो है ये खेती बचाओ, किसान बचाओ, और वो आगे क्या है, वो किसान बिल वापस, और एक और है किसानों की आय बढ़ाओ, और बस मुख्य मुद्दा हम लोगों को चार ही ट्रैक्टर कर रहे हैं, चार ही चले उसके बाद वहाँ से इसीलिए सारी संख्या कम होगी, चार ट्रैक्टर से क्या हो जाएगा। थोड़ी दूर डेलिया चौराहे तक करवा दीजिए, आप हमें चलाएंगे, लेकिन ये है नहीं भाई आप इसको बराबर रखो, पीछे पीछे इधर तरह खड़े हैं राजू, उनके सब इधर पीछे चले जाओ, इधर से इधर पीछे पीछे मार दो, ना ना वहाँ ले उधर से ए तुम लोग नीचे जाओ, नीचे आओ, पीछे पीछे जाओ, पीछे पीछे आओ, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
कायम है, उसका नाम मुलायम है। किस कायम है, उसका नाम मुलायम है। धरती पुत्र मुलायम से जिंदाबाद, जिंदाबाद। धरती पुत्र मुलायम से जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव जीन बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद। जीन बाबू अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। जीन बाबू दिग्विजय सिंह देव जिंदाबाद। पूर्व विधायक महेंद्र सिंह जीन बाबू जी के नेतृत्व में एक विशाल किसान यात्रा का जो है आयोजन किया था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने रात से ही सभी कार्यकर्ताओं को खाना परेशान किया और विधायक जी को पूरी रात घर पे नहीं रुकने दिया। जगह जगह हमारे कार्यकर्ताओं को ट्रैक्टरों को रोका गया और उसके बाद आज सुबह जब हम लोग यहाँ से किसी तरह भी अपने साथियों के साथ निकलना जा रहे थे, तभी यहाँ पर पुलिस फोर्स आ गई और हम लोगों को, आदरणीय विधायक जी को, विद्वान जी को, पवन जी को, तमाम हमारे जो कार्यकर्ता, हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी को, सबको यहाँ रोक लिया गया है और हमें आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस जिस तरह से जाति कर रही है, किसान अगर अपनी बात नहीं रख पाएगा, जो इस देश का अन्नदाता है, जो इस देश की लोगों का पेट पालता है, अगर वो भी यहाँ पर हैरान और परेशान होगा। लोहिया जी कहते थे जिस देश का किसान बदहाल और दुखी है वो देश कभी सुखी नहीं रह सकता। आदरणीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर जो किसान यात्रा है वो महेंद्र सिंह जीन बाबू जी के नेतृत्व में यहाँ चलाई जानी थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इसको रोक दिया है। हम इस सरकार का पुरजोर विरोध करते हैं और आदरणीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर जब जब आवश्यकता पड़ेगी ये लाल टोपी के नौजवान इस लड़ाई को लड़ने का, गरीब मजदूर किसानों की लड़ाई लड़ने का हम काम करेंगे और इस ताकत को और जो समाजवादी पार्टी के नेता है उनकी ताकत को बढ़ाएंगे और किसानों के, जब तक उनके बिल को वापस नहीं लिया जाता है, किसानों का बिल वापस जब तक नहीं लिया जाएगा तब तक पूरे उत्तर प्रदेश का सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता इसका विरोध करते रहेंगे। विधानसभा चौथा में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा, अखिलेश जी के द्वारा जो निर्देश दिए गए थे कि एक किसान विरोधी सरकार के खिलाफ एक किसान यात्रा निकाली जाएगी, उस कार्यक्रम के दौरान हम लोगों ने अपनी एक शांतिपूर्ण हमारे गांव के पूरे चारों तरफ, हमारे घर के चारों तरफ पुलिस का पूरा पहरा लगा दिया गया। मुझको भी निकलने नहीं दिया जा रहा था, किसी तरीके से छिपते छिपाते यहाँ किसी तरीके से हम लोग आ पाए हैं और आए हैं और आज इस धरने में, मतलब धरने में किसान यात्रा को ये लोग पुलिस के द्वारा रोका जा रहा है। मैं तो पुलिस के नौजवानों, पुलिस के जवानों से कहना चाहता हूँ कि ये पुलिस के जवानों, तुम भी किसान के ही बेटे होगे, किसी अरबपति के या करोड़पति के बेटे नहीं होगे, तुम वही अन्न खाते होगे और वही अन्न खाते होगे जो किसान यहाँ पैदा करता है और जो किसान ही है। लेकिन इतना मत अत्याचार करो कि आगे आने वाले समय में अगर हम लोगों की सरकार बनती है, किसानों की सरकार बनती है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, दिग्विजय सिंह देव की सरकार बनती है, जीन बाबू की सरकार बनती है, अखिलेश जी की सरकार बनती है, तो याद रखना इस चीज को कि किसान का जो अन्न है। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लोगों की यात्रा नहीं, अगर आप रोक रहे हैं तो मैं भी, हम लोग भी शांतिपूर्वक ढंग से, क्योंकि हम माननीय मुलायम सिंह के सिपाही हैं, माननीय लोहिया जी को मानने वाले सिपाही हैं, माननीय अखिलेश यादव जी को मानने वाले सिपाही हैं, उनके निर्देशों का पालन करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से ही अपना आंदोलन ये करेंगे और हम लोग यहीं पे धरना दे रहे हैं। जब जाने नहीं दिया जा रहा है तो हम लोग यहीं पर धरना दे रहे हैं, आगे प्रशासन जाने और प्रशासन का काम जाने, जो भी कार्रवाई करना हो, अगर ये चाहते हो कि किसानों की बर्बादी हो, अगर ये चाहते हो कि किसानों के ऊपर अत्याचार हो, तो चलिए हम किसानों के समर्थन में जेल तक जाने को तैयार हैं, अगर जरूरत पड़े है। ये भारत, वही भारत देश है, ये वही कांजर क्षेत्र है जिसमें चहलारी के राजा रहते थे, ये वही कांजर क्षेत्र है जिसमें अलाउद्दीन की लड़ाई हुई थी। अलाउद्दीन की लड़ाई में, अलाउद्दीन की लड़ाई की धरती ये है, कांजर की लड़ाई ही मशहूर है अलाउद्दीन की लड़ाई से। तो यहाँ के नौजवान वीर नौजवान हैं, ये कभी कभी कहा जाता था कि ये जो नौजवान है ये एक गैंग है, ये जवानी कुर्बान करने वाला गैंग है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज नौजवानों के दम पर ही हम ये कार्यक्रम, इतना कार्यक्रम ही कर पाए हैं। ये नौजवान लाठी खाने में आगे हैं, मार खाने में आगे हैं, जेल जाने में आगे हैं। तो मैं तो इनकी पीठ थपथपाऊंगा और बधाई दूंगा दिग्विजय सिंह देव को, बधाई दूंगा रिजवान को, बधाई दूंगा पवन सिंह को,
बधाई दूंगा मेराज भाई को, बधाई दूंगा अपने सीताराम यादव विधानसभा अध्यक्ष को, और मैं बधाई जितने भी नौजवान हो सबको बधाई देना चाहता हूँ कि आज इनके कारण ये इतना सही आंदोलन सफल हो पाया। इसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद। हाँ छोड़ो यार, बस बार बार बाहर लगा रहा हूँ। कैसे बात कैसे कर रहे हो? जब कह रहा हूँ क्यों हटे, क्यों छोड़ो रात में ज्यादा, क्यों हटे गर्मी से बात मत करो। मैं कह रहा हूँ जहाँ आपको ले चलना साथ में चलिए, यही बात है ना, जहाँ आपको ले चलना साथ में चलिए, जहाँ ले चलिए आप, नहीं नहीं यही बैठा लीजिए, हाँ चलिए बैठिए, नहीं नहीं चलो जितनी जगह है चाहे यहाँ रह जाइए, चाहे थाने में सब लोग एक साथ रह जाए बस। हाँ तो आप तो चलिए, तो नहीं पहले मैं घर जाएंगे, हम लोग चलेंगे सबको साथ में, आज आप सब लोग आए, हाँ सबको बुलाइए ना, वहीं चलेंगे सबको, तो सब लोग आप चलिए बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, कहाँ बैठेंगे सब लोग, यहाँ कार्यकर्ता बैठे थाने पर, ठीक है और सब आओ, और सब लोग आओ, आप लोग एक साथ कहाँ जा रहे हैं भाई? मैं कहता हूँ आप लोग क्योंकि आप लोग एक ही जगह चल रहे हो, आप लोग चाहे दो गाड़ी चलो चाहे एक गाड़ी चलो, लेकिन चलो बात है थाने पर। ये सीओ साहब हैं, ये हमारे इंस्पेक्टर सकरन साहब हैं, तो जहाँ सीओ साहब हो एसडीएम हो वहाँ पे आप क्यों इतना उछल रहे हैं? कहाँ उछलना है सर, मतलब बात सुनिए हमारी, मतलब उस जगह पे जहाँ यही डीएम खड़े हों, जहाँ एसपी खड़े हों, वहाँ पे मतलब कोई सिपाही नहीं चल रहे, हम ये कह रहे हैं हमारा कहना यही की ओर, हमने आपकी सारी बात मान ली, सारी बात हमको जहाँ ले चलिए सब लोग एक साथ में, हमारी गाड़ियाँ हैं, हमारी आप आगे पीछे गाड़ियाँ भी लगा ली, हम तो चले बैठ जाएंगे, लेकिन गाड़ी तब मिलेगी जब हमारे सारे लोग गाड़ी मिलेगी। हाँ सही बात खड़ा है, हम लोग ये बता रहे हैं जी, आपको सशस्त्र हम लोग ले चलेंगे, लेकिन आपके सभी साथियों को हम लोग यहीं रोकना चाह रहे हैं, यहीं यहीं रुकेंगे बाकी लोग, नहीं तो भी नहीं तो भी आप कहाँ ले चलना चाहते हैं? थाने पर, थाने थाने के लोग बाकी आप बाकी सब साथियों को, लेकिन यहीं रुका जाएगा, तो आप सबको थाने ले चलो, चलिए कोई नहीं ठीक है, सब सब लोग आप सब लोग थाने ले चलो, सब लोग थाने ले चलो ना, इतना कॉपरेट क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे, चलिए ठीक है कोई नहीं, सबको ले चलो, सब चले आराम बैठ, आप गाड़ी बैठ जाइए, गाड़ी बैठ जाइए, आप लोग बुला ले सब लोग, चलो बैठो उसमें लाल नहीं हमारी गाड़ी, हमारी गाड़ी में, अरे एसी वाले, एसी वाले बस एसी वाले बस सब आ जाएंगे, बैठा एसी वाले मारे, एसी वाले बैठ सब आ जाएंगे, उसमें एसी वाले में एक ही बैठ, नहीं नहीं सारे लोग, आप लोग बड़े लोग, आप लोग इसी बैठ लो भाई, सब लोग यहां आ जाइए, उसमें नहीं जा पा रहा है किसान विरोधी है सरकार।